अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मेहरान आपके लिए एक नई वीडियो फिर से लेकर आया हूँ। कोरल ड्रा में 3D लोगो हम कैसे बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो है मेरी वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें या सिंपल कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो हमारी एक नई फाइल आ जाएगी। आप लोगो देख लें आपने किस रिलेटेड बनाना है। मैं वैसे 3D लोगो के नाम से बना देता हूँ। इस लोगों को आप कर्व कर लें। कर्व करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू, या आप राइट क्लिक करें और यहाँ से कर लें। इसको करने के बाद ये है शेप टूल, उससे हम ज़रा शेप को चेंज कर लेंगे। ये यहाँ से ओ का भी सिलेक्ट हो गया, हम ये शिफ्ट प्रेस करके इसे अनसेलेक्ट कर देंगे। यहाँ से उठाया और यहाँ ठीक है। उसके बाद हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल सी से। इसे यहाँ बाहर ले जाते हैं, यहाँ ही पेस्ट कर देते हैं। इसको यहाँ की कलर के ऊपर राइट क्लिक करके हम आउटलाइन कर लेंगे और यहाँ लेफ्ट क्लिक करके इसकी शेप ख़त्म कर देंगे। मैं कहता हूँ ये वाला ठीक है। यहाँ से 0.5 कर देते हैं और उसके बाद हम इस टूल से कलर फिल करेंगे इनमें। कलर फिल करने के लिए आपको यहाँ कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने ओरिजिन सेलेक्ट किया कलर करने के बाद हम ऐसे ही से सॉरी वन बाय वन शिफ्ट से वन बाय वन सेलेक्ट करते हैं और ये लेयर ऊपर उठा लेते हैं। ये वाली लेयर एक साइड पे कर लेते हैं और इस वाली लेयर की ये देखिए आउटलाइन है, ये आउटलाइन हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ जस्ट राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर फिर भी हो जाएगा, यहाँ यहाँ से हम आकर डन कर देते हैं। उसके बाद ग्रेडियंट इंटरेक्टिव टूल से उससे पहले लोगों को वेल्ड करना था, सिलेक्ट किया और यहाँ से ये वेल्ड कर लिया। और अब इंटरेक्टिव फिल टूल से अब इसको हम बिट मैप में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से कन्वर्ट टू बिट मैप, ये रहा रेजोल्यूशन 300 dpi, यानी dpi का मतलब है डॉट पर इंच। हम यहाँ से इसे 600 कर देते हैं। ये बिट मैप में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से हम फिर टेक्सचर में आएंगे और प्लास्टिक, ये ओके, ये देखिए
उसके बाद हम ये वाली लेयर लेंगे, इस लेयर की जो है वो आउटलाइन 1 पॉइंट कर देते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप, इसके अंदर अब ये देखें अब इस लेयर की एक डुप्लीकेट बना लेते हैं या कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, इसको वाइट कलर करते हैं और जो आउटलाइन है वो भी वाइट। इसके बैकवर्ड ले जाते हैं, राइट क्लिक, ऑर्डर टू बैक लेयर, हम ऐसा करते हैं यहाँ एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। अब उसके बाद ये वाली हमारे पास लेयर आ गई, इस लेयर को हम बिटमैप में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ब्लर, गैशियन ब्लर, तकरीबन ये ठीक है। उसके बाद इसे इस लेयर के ऐसे ये असल में कलर वाली लेयर के पीछे है, हम कंट्रोल पेज आपका की प्रेस करेंगे तो वो आगे आ जाएगा। फिर यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा लोगो रेडी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर किसी भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दे, अगर आपको इसकी CDR फाइल चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें वैसे डाउनलोड करने वाला तो कुछ नहीं, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।